नेक्स्ट प्रोटोकॉल की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों डायबोडॉक। डायबोडॉक के बारे में हम आपको आज समझाएंगे। सबसे पहले हमें डायबिटीज, डायबोडॉक तब समझने के लिए हमें डायबिटीज को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि हमारे बॉडी में पेनक्रियाज का क्या काम होता है। दोस्तों पेनक्रियाज हमारी बॉडी में इंसुलिन जनरेट करता है। अब इंसुलिन क्या होता है दोस्तों, जो भी हमारी बॉडी में एक्सेस शुगर जाती है, बॉडी में एक्सेस शुगर होती है, इंसुलिन उसको न्यूट्रलाइज करता है। जितनी शुगर हमारी बॉडी को जरूरत है उतनी शुगर हमारी बॉडी में यूज करके बाकी जो एक्सेस शुगर है उसको इंसुलिन जो है वो न्यूट्रलाइज करता है। इंसुलिन शुगर का एंटी एंटी शुगर होता है बेसिकली वो। दोस्तों दो तरह की डायबिटीज होती है, जिसका एक नाम है टाइप 1 एंड टाइप 2। मैं बता दूं, टाइप 1 डायबिटीज दोस्तों जो है बेसिकली ये आपके हेरिडिटरी या आपके माता पिता या उनके माता पिता से आपके अंदर आती है, बिकॉज ये बहुत यंग एज में या बाय बर्थ कई बार आपको ये होती है। तो उसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें हम लोग जो है पैनक्रिया जो है काम नहीं कर पाते और हमें इंसुलिन को जो है वो बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन डेली हमें लगवाने पड़ते हैं, जिससे हम जो खाना खा रहे हैं उसका एक्स्ट्रा शुगर है वो शुगर ना रह के वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाए। दोस्तों अगर हम लोग टाइप 1 डायबिटीज की बात करें तो ये ट्रीटेबल नहीं होता, ये क्यूरेबल नहीं है। हेल्पफुल हम जरूर है कि हम इतनी हेल्प जरूर कर सकते हैं कि आपको बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम कॉम्बिनेशन आपको बता देंगे अभी। टाइप 2 डायबिटीज की बात करते हैं दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज में हम लोग, मैं इसको बोलूंगा ये आपके लाइफस्टाइल डिसीज है, लाइफस्टाइल बीमारी है, क्योंकि ये हमने अपनी अपनी आदतों की वजह से इसको अपने अंदर डाल रखा होता है। जैसे मान के चलिए आप खाना टाइम पर ना खाना, ज्यादा खाना, कम खाना, अपच खाना, या फिर ये मान लीजिए आपको एक खाना आपका पूरी तरह अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ, आपने दोबारा खाना शुरू कर दिया, ना सोने का टाइम, ना उठने का टाइम, ना लेटने का टाइम, ना काम करने का टाइम। दोस्तों क्या होता है फिर, इससे क्या होता है, पैनक्रियास को बहुत हाई रेट पर इंसुलिन क्रिएट करना पड़ता है, बहुत हाई रेट पर, ताकि ग्लूकोज और शुगर को है जो हम बैलेंस कर पाए, जो कि डिसबैलेंस कर देता है पैनक्रियाटिक फंक्शन को, वो ढंग से काम नहीं कर पाता और फिर आपका शुगर लेवल जो है वो बढ़ने लग जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो चार पांच इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं जिनका मेन काम होता है आपके शुगर को कम करना, वो कैसे करते हैं हम आपको समझा देते हैं। दोस्तों करेले के अंदर बेसिकली एक पेप्टाइड पाया जाता है जो इंसुलिन की तरह काम करता है, इसको हम पी इंसुलिन भी कहते हैं। इसलिए करेले का रस जो है वो हम रिकमेंड करते हैं आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए। उसके बाद सर इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है शेरेंटिन, CHARANTIN, शेरेंटिन। ये भी आपके ब्लड ब्लड ग्लूकोज लेवल को नेचुरली कम करता है। फिर जामुन की बात करें दोस्तों, जामुन में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम जम्बुलिन नाम होता है, जम्बुलिन। ये दोस्तों आपके खाने में खाए हुए स्टार्च को ना ग्लूकोज में नहीं बदलने देता, तो स्टार्च का काम स्टार्च करेगा, शुगर और शुगर ज्यादा बढ़ेगी नहीं। दोस्तों फिर आता है आपका ग्वार पाठा रस, जिसको हम एलोवेरा रस भी कहते हैं। दोस्तों इसके अंदर आइमोडीन नाम का एक एंजाइम होता है जो ग्लूकोज लेवल को कम करता है और भूख शांत करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट है आपका गुड़मार। गुड़मार दोस्तों एक ऐसा एक पौधा है जिसको हम मधुनाशिनी या विषानी भी कहते हैं, काफी सारे राज्यों में पाया जाता है हमारे इंडिया के। आपको ध्यान रखने वाली बात है कि गुड़मार का मेन काम होता है दोस्तों, जो आपका मीठा खाने की तलब है ना, मीठा खाने की तलब को कम करता है गुड़मार। दोस्तों त्रिफला के बारे में तो आप जानते ही हैं, त्रिफला का मेन काम होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना, ताकि आप जो भी खा रहे हो, जो भी आप जूसेस पी रहे हो, इनको प्रॉपर पूरी तरह से डाइजेस्ट करे और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को आपकी बॉडी के कोने कोने में पहुंचाए। दोस्तों बेसिकली डायबिटो का काम यही है, टाइप 1 टाइप 2 कंट्रोल करने में काम आता है। मैं आपको इसके बारे में कॉम्बिनेशन दे देता हूँ जो टाइप 1 डायबिटीज में आपको शुगर इंसुलिन से बचा सकता है। आप लिख सकते हैं दोस्तों, डायबिटॉक के साथ आप दें थंडर ब्लास्ट और पंच तुलसी ड्रॉप। ये बट ये दोस्तों ट्रीट नहीं हो पाता, बट आप इंसुलिन इनटेक का रोक सकते हो। डायबिटॉक आपको खाने से 1 घंटा पहले लेना है, थंडर ब्लास्ट आपको खाने के 1.5 घंटा बाद लेना है, और पंच तुलसी ड्रॉप आप अपने किसी भी तरह के पेय जल में या पेय चाय में आप इसको एक आधी बूंद आप डाल के यूज कर सकते हो। दोस्तों अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी है, अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी है तो आप त्रिफला रस और इसमें ऐड करेंगे। त्रिफला रस खाने के 1 घंटे बाद लेना है और थंडर ब्लास्ट खाने के 1.5 घंटे बाद लेना है। दोस्तों जब भी हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हमेशा उन कॉम्बिनेशन के बीच में, उन जूसेस के बीच में, उन प्रोप्राइटरी मेडिसिन के बीच में आपको 30-30 मिनट्स का एटलीस्ट गैप रखना है और 15 से 20 ml दिन में 2 बार आपको देना है, तो आपको इससे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको टाइप 1 डायबिटीज के अंदर इंसुलिन लेना आपका शायद आने वाले टाइम में बिल्कुल बंद भी हो जाता है। दोस्तों बेसिकली और मैं बताता हूँ आपको, जो शुगर है ये आपके ब्लड, डायबिटीज आपके ब्लड को ये गाढ़ा करती है, जिससे आपको सेक्सुअल डिसीजेस तक बहुत सारी होने के चांसेस रहते हैं और उससे इम्पोटेंस के चांस, बहुत सारे केसेस में इम्पोटेंस भी लोग इम्पोटेंट भी लोग हो जाते हैं। दोस्तों आप इस डायबिटीज से बच के रहें, जिसको भी जरूरत है प्लीज आप डायबिटॉक और थंडर ब्लास्ट को प्रमोट करें। अगर वो
उसको कॉन्स्टिपेशन भी है तो त्रिफला रस जरूर दे टाइप वन के लिए। टाइप टू के लिए ये काफी टाइम मतलब जो है ये आपको बहुत जल्दी कंट्रोल में आने के चांसेस होते हैं। फिर भी दोस्तों हम वेलनेस कोचेस हैं, हम डॉक्टर्स नहीं हैं। प्लीज 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 कोई भी चीज किसी को प्रमोट करने से पहले बिल्कुल हम कहते हैं कि डाइटिशियन की या डॉक्टर की देख रेख में लें, क्योंकि हम लोग फिर बोल रहा हूँ वेलनेस कोचेस हम लोग ठीक लोगों को ठीक रखते हैं। तो जब भी ये कुछ किसी को आप प्रमोट करें तो आप बिल्कुल उनको बोलें कि आप अपने डॉक्टर की देख रेख में उनसे पूछ के उनसे डिस्कस करके उनसे कंसल्ट करके आप ये लें। ठीक है दोस्तों,